हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मणिपुरम एप्लीकेशन से ऑनलाइन पेमेंट गोल्ड लोन का कैसे करते हैं। अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड के ऊपर लोन लिया है तो उसको रीपेमेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके मणिपुरम सर्च कीजिए और ये मणिपुरम OGL इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने को रहेगा। मैंने पहले ही डाउनलोड किया है, मैं ओपन करता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज जो भी आपने लेना है, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे कस्टमर आईडी दे रखा है, इस पे आपको अपना कस्टमर आईडी देना है जो आपको लोन के समय दिया जाता है, जिसको ग्राहक पहचान पत्र पहचान क्रमांक कहते हैं। जैसे मेरा है 3515001। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे नीचे को देखिए, ये ऑप्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने पहले ही से क्रिएट अकाउंट कर रखा है तो आपको सीधा ही लॉगिन विद पिन से करना होगा, लॉगिन विद पिन से करना होगा। पिन नंबर डालते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको सेट करके आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है, मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे। और लॉगिन करता हूँ। अब देखिए मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है, यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन गोल्ड लोन, न्यू अकाउंट डिटेल, चेक ड्यू एंड पे ऑनलाइन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 24,718 का एक लोन है मेरा, और 22,946 का दूसरा लोन है। अब जो ये पहले वाला है 24,718, इसको चेक करते हैं हम। तो इसमें देखिए इंटरेस्ट अमाउंट 0 है, इंटरेस्ट रिबेट 0 है और टोटल 0 है। तो इसका मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब हम बैक आते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा लोन है, ये जो दूसरा लोन है, ये इसको क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ का बन रहा है इसका 484 रुपये, और इंटरेस्ट रिबेट, इसमें आपको रिबेट भी मिलता रहता है बीच में, तो 51 रुपये मेरा रिबेट मिल रहा है। तो मुझे पे करना है सिर्फ 433 रुपये, ठीक है जी। अब इसे पे करने के लिए मुझे इस ऑप्शन पे प्रोसीड पेमेंट में क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो मैं करूँगा डेबिट कार्ड से। तो ये जो डेबिट कार्ड है इस पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा। तो जैसे टिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और तो आप किससे करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, UPI से। मैं करना चाहूँगा अपना डेबिट कार्ड से। तो आपको इस पे आई एक्सेप्ट
टिक करना होगा। ये मैंने टिक कर दिया। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन है पे नो, इस पर टिक करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको इसमें कार्ड नंबर डालना, आपका एक्सपायरी डेट इस पे डालना पड़ेगा आपको, और सीवीवी नंबर इस पे डालना पड़ेगा, कार्ड होल्डर इस पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो चलो मैं अपनी डिटेल डालता हूँ। मैंने सारी डिटेल डाल दी है, अब प्रोसीड पे मुझे क्लिक करना है। इसको क्लिक करते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको ओटीपी डालना रहेगा। ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर पे आएगा। ये आया है हमारा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब इससे साथ ही देखिए आप लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है। और ये देखिए अपने बैंक अकाउंट से भी 433 रुपये कट चुके हैं, 433 रुपये। अब यहाँ से होम स्क्रीन में जाइए। अब यहाँ से चेक कीजिए अपना लोन जो हमने अभी पे किया था, ये लोन था, इसका इंटरेस्ट रेट पे किया था। इसको क्लिक करके देखते हैं दोबारा ड्यू तो नहीं है। अब यहाँ देखिए इंटरेस्ट रेट अमाउंट 0 है, इंटरेस्ट रिबेट 0 है, टोटल ये 0 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन गोल्ड लोन इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।